और हम आपको बता दें कि मुर्तजा आईआईटी मुंबई का पूर्व छात्र है जो आतंकी गतिविधियों की वजह से फिलहाल चर्चा में है। तो उधर आईआईटी के ही एक पूर्व छात्र है राकेश गंगवाल अपने अच्छे कामों की वजह से सुर्खियों में है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए और अच्छा काम ये है गंगवाल का कि इंडिगो एयरलाइंस के वो को फाउंडर हैं, जबकि गलत काम की वजह से बदनाम होने वाले छात्र हैं अहमद मुर्तजा अब्बासी। राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की और अब उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। राकेश गंगवाल के इस डोनेशन से आईआईटी कानपुर के कैंपस में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बनाने में मदद होगी। इस तरह गंगवाल ने आईआईटी का नाम रोशन किया। तो दूसरी तस्वीर उस छात्र की जिसने आईआईटी के नाम को बदनाम किया है, आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आ रहा है मुर्तजा का। तो ये दो तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। आईआईटी जैसा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट और दो छात्र और अलग अलग काम। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय त्रिपाठी, ये दो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, एक तरफ राकेश गंगवाल जिन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए इंडिगो के को फाउंडर, इस तरीके का अच्छा काम, और एक ये मुर्तजा आईआईटी बॉम्बे का छात्र जिसने इस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं और इस तरीके के हमले को अंजाम दिया। शोभना, सपना होता है इंजीनियरिंग के छात्रों का कि वो आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ाई करें। जो दो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उनमें से पहले मैं मुर्तजा अब्बासी की बात करूंगा। पढ़ने में ब्रिलियंट था, इसी नाते देश की नंबर वन आईआईटी मुंबई में उसका दाखिला हुआ। केमिकल इंजीनियरिंग से उसने पढ़ाई की, अच्छी खासी नौकरी भी मिली, लेकिन मन नहीं लगा। मन लगा तो कहाँ लगा? कट्टरपंथियों के साथ, उनकी सोच के साथ, अलगाववाद के साथ, आतंकवाद के साथ, और नतीजा क्या हुआ? आज वो जेल में है। अवलाकी जैसा नाम आपने लिया कि अवलाकी को, जो अलकायदा का आतंकी था, उसको उसने गुरु बनाया। समय समय पर सीरिया को फंडिंग भी की आतंकवाद बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ राकेश गंगवाल है। राकेश गंगवाल बड़ा नाम है। 100 करोड़ रुपए की आज तक आईआईटी में किसी व्यक्तिगत दान का ये पहला मामला है जो राकेश गंगवाल ने किया। उन्होंने गुरु माना आईआईटी को और आईआईटी को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई लगा दी। तो ये फ़र्क है इन दोनों लोगों में, सोच का फ़र्क है। और आज नतीजा क्या है कि आज सलाखों के पीछे बैठा हुआ एक शख्स है जिसका नाम मुर्तजा अब्बासी है और दूसरा शख्स विदेश में है, अमेरिका में रहता है, NRI है, बड़ी कंपनी का मालिक है। वो अपनी सोच की वजह से आज उस जगह तक पहुँचा। तो सोच का फ़र्क है शोभना। मैं अभी ताज़ा अपडेट आपको ये देता हूँ कि जो ATS पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले पर मुर्तजा अब्बासी से, तो उसका ये कहना है कि मुर्तजा अब्बासी के पास से जो लैपटॉप मिला है, जो उससे पूछताछ हुई है, जो उसका मोबाइल नंबर है, उन सबको सर्विलेंस किया गया, उनसे काफ़ी सारा डेटा रिट्रीव किया गया है, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं, और उस आधार पर लगभग 40 से 42 लोग ऐसे हैं जो ATS के टारगेट पर हैं और उन पर लगातार कार्रवाई जारी है, उन पर छापेमारी हो रही है, कई संदिग्धों को उठाया गया है। शोभना, ABP News आपको रखे आगे।